इधर जीत का जश्न मनाते रह गए अखिलेश यादव, उधर योगी ने यूपी में कर दिया सबसे बड़ा खेला, युवाओं को दे दी सबसे बड़ी सौगात, खुशी से झूम उठे उत्तर प्रदेश के युवा। करारी हार के बाद तुरंत अलर्ट हुए योगी, गुस्से से भयंकर लाल, लगा दी बड़े बड़े अधिकारियों की क्लास, तुरंत रिक्त पदों पर की जाए नियुक्ति, जनता का रखा जाए पूरा ध्यान। दिल्ली से लौटते ही बाबा का ऐसा ऐलान, अखिलेश के भी खड़े हो गए कान, उत्तर प्रदेश में फिर से होने वाली है गर्मी शांत, चुन चुन कर अब बदला लेंगे मिस्टर योगी। हार के बाद योगी अब बदल देंगे यूपी का पूरा हिसाब किताब, फिर से अपने पुराने रौद्र रूप में देंगे जवाब, लापरवाह अधिकारियों को भी लगा देंगे होश ठिकाने। जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने के बाद अब बवाल हो गया है। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से ही लगा। यूपी की 80 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट गई। यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी के सामने मोदी योगी की जोड़ी नहीं चल पाई। यहां तक कि अयोध्या में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। चारों तरफ यूपी में भाजपा को मिली इस करारी शिकस्त की ही चर्चा हो रही है। भाजपा के अंदर खाने भी इस हार को लेकर गहन चर्चा की जा रही है। इसी बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए हैं। लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री योगी ने यूपी सरकार के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की और सीएम ने कड़े निर्देश दिए। इसी दौरान योगी ने युवाओं को लेकर भी बहुत बड़ा फैसला ले लिया। सीएमओ ऑफिस की तरफ से सीएम योगी के निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई है। सीएमओ ऑफिस के सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके बताया गया है कि सीएम ने रिक्तियों और नियुक्तियों को लेकर अहम निर्देश जारी किया है। ट्वीट के मुताबिक सीएम योगी ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश में सभी विभागों में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी हैं, वहां से तत्काल प्रस्ताव चयन आयोगों को भेजा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई प्रपोजल की व्यवस्था लागू की जाए। नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता के साथ परीक्षण किया जाए। चयन आयोगों से संपर्क बनाए, सही अध्याचन भेजे और चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करे। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो विपक्ष के हाथों में था, वो विपक्ष के हाथों से छिन जाएगा। सीएम योगी उस मुद्दे को ही खत्म कर देंगे, जो मुद्दा सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी की यूपी में हार का सबसे बड़ा कारण बना। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले यूपी में पुलिस भर्ती समेत कई बड़े परीक्षा पेपर लीक हुए थे। माना जा रहा है कि चुनावों में पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर भी युवाओं का गुस्सा भाजपा को झेलना पड़ा। ऐसे में इसी कड़ी में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में योगी सरकार और भी कई सारे बड़े फैसले ले सकती है। और इसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है कि सीएम की तरफ से सख्त आदेश दे दिया गया है कि जो भी रिक्तियां हैं, जो भी नियुक्तियां हैं, तत्काल प्रभाव से की जाए, नहीं तो अधिकारियों पर डंडा चलाया जाएगा। और सीएम योगी का डंडा जब चलता है तो फिर आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।